नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरह से साल 2020 में 14 जून का वो दिन जब एक्टर के निधन की खबर ने न केवल बॉलीवुड इंडस्ट्री को बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार और उनके फैंस को हिलाकर रख दिया। अचानक सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। एक ऐसा एक्टर जो लगातार प्रोग्रेस कर रहा था, अपने करियर में सफलता पा रहा था, आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि उस एक्टर ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन जब इस मामले की जांच हुई तो इस मामले में जो जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के निधन में ड्रग्स का ये पूरा जो सामने आया पूरा मामला, और इसी में उनकी गर्लफ्रेंड यानी कि रिया चक्रवर्ती भी लगातार सुर्खियों में आ गई। लेकिन 2 साल हो गए हैं, अभी भी सुशांत सिंह राजपूत के निधन से जुड़ी गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई थी। लेकिन एक बार फिर से ये केस सुर्खियां पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक समेत 35 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, चार्जशीट दर्ज की है, जिसमें 27 जुलाई को सुनवाई होनी है। वहीं यहां पर अब सुशांत सिंह राजपूत की बहन भी लगातार अपने भाई को इंसाफ दिलाने में लगी हुई है। जो यहां आपको बता दें कि इससे पहले भी सुशांत सिंह राजपूत की बहन यानी कि प्रियंका राजपूत ने रिया चक्रवर्ती पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। यहां तक प्रियंका ने तो ये भी कह दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए रिया चक्रवर्ती भी उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदार हैं। हालाँकि जांच में कुछ भी साफ नहीं हो पाया, लेकिन अब जब एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत का केस सुर्खियां यहां पर पकड़ रहा है तो एक बहन होने के नाते प्रियंका राजपूत यहां पर फिर से अब उन्हें इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। हाल ही में प्रियंका राजपूत खुद एक नेशनल टीवी पर आई और उन्होंने बताया कि आखिरकार क्या कुछ उनके भाई के साथ हुआ। न केवल उन्हें गांजे की लत लगाई गई बल्कि किस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत को इग्नोर किया गया क्योंकि वो एक आउटसाइडर थे। कई ऐसे रोल सुशांत सिंह राजपूत से सिर्फ इसलिए छीन लिए गए क्योंकि उनके साथ किसी बॉलीवुड इंडस्ट्री के नामी चेहरे का नाम नहीं जुड़ा था। वहीं यहां पर उन्होंने इसके साथ और भी कई बड़े खुलासे किए कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को इंडस्ट्री की पार्टीज में आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता था, उन्हें इग्नोर किया जाता था और साथ ही उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। जिसके बाद एक बहन का दर्द जो था वो फिर से यहां पर छलक उठा। जिस तरह से यहां पर सुशांत सिंह राजपूत के निधन से जुड़ी ये जो गुत्थी है अभी भी सुलझ नहीं पाई है। हालांकि यहां पर उनकी बहन पूरी कोशिश कर रही है, साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के फैंस लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एक्टर को इंसाफ मिल सके। आपको बता दें 27 जुलाई को रिया चक्रवर्ती समेत 35 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई होनी है। एक स्पेशल टीम जिसे एनसीबी ने ये केस सौंपा है वो अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में लगातार जांच कर रही है। 27 जुलाई को सुनवाई होनी है। सवाल यही उठता है कि आखिरकार क्या इस दिग्गज कलाकार को इंसाफ मिल पाएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। नमस्कार।